ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे योगी सरकार से। मैं हम लोग जब से हो संभाले तब से वो भाजपा के ही वोट दिए हैं, भाजपा के ही वोटर हैं। यहाँ पूरा ये रहीम नगर न्यू बस्ती और पुरानी बस्ती मिला करके भाजपा का ही जो है सपोर्ट करते आए हैं और भाजपा ही हम लोगों को जो है मिटा रही है। अगर मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर वो हम लोगों को मुआवजा नहीं देती है तो सबको उनके के घर के अंदर बंद करके गोली से मरवा दिया जाए। बार बार मरने से अच्छा है आदमी एक बार मरेगा उसका और सरकार का लाखों करोड़ों रुपया भी बच जाएगा, मुआवजा नहीं देना पड़ेगा। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें मकान अपना चाहिए। हमारे प्लॉट में आप कुछ नहीं कर सकते। रजिस्ट्री है मेरी, लीगल है, कोई अनलीगल नहीं है कि आप मुआवजा दे के और छुट्टी पा जाएंगे मकान तोड़ के। आपको जहाँ ग्रीनरी करनी करे, इतनी सरकार आई किसी ने इस तरह से किसी के घर उजाड़ करके ग्रीनरी नहीं की है। ग्रीनरी करना आप करिए, जहाँ खाली जगह पड़ी है कीजिए। देश को सुंदर बना रहे, घर उजाड़ के देश सुंदर बनता है? कोई बेवकूफ है क्या आप? एकदम से सरकार के कैसे कुर्सी पे बैठ गए आप भाई? बेवकूफी कर रहे हैं आप। शादी ब्याह किया नहीं है, बच्चे हैं नहीं है, बीवी है नहीं है, आटे दाल का भाव मालूम नहीं, कभी सब्जी लेने गए नहीं होंगे। और अभी 5 साल भी नहीं हुआ इस मकान का, लोन लेके हम लोगों ने मकान बनाया। इतने बेवकूफ तो हैं, पढ़े लिखे हैं, पता था कि ये मकान नहीं जाएगा, तभी तो इतना पैसा हम लोगों ने लगाया। लेकिन लिया तो लोन, इतने बड़े बेवकूफ तो हैं नहीं हम लोग कि इस घर पे इतना लोन लेके बनवाएंगे, इतना बड़ा घर बनवाएंगे जो आज इस तरह से इस कंडीशन में कुछ सूने पे आ गए हैं। हम लोग जीरो पे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अब हम लोग नए से शुरू करेंगे तो कहाँ जाएंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे कि उनके लिए कुछ फ्यूचर सोचेंगे? कुछ नहीं सोच सकते हम लोग। हम इस घर सूने पे आके खड़े हो गए हैं। मेरे यहाँ 5 दिन से खाना नहीं बन रहा है, बन भी रहा है तो नाले में ही फेंका रहा है, उन्हीं के नाले में फेंका रहा है। उनको क्या है? वो तो बस ऑर्डर देके चले जाते हैं, ऐसे क्रॉस लगाते हैं जैसे लगता है कि उनको उस चीज का क्या मिलने वाला है। इतनी खुशी के साथ लगाते हैं, गले मिल रहे थे उस दिन अधिकारी कि हाँ हमने बहुत बड़ा काम किया है। हमसे पूछे कि उस टाइम हमारे क्या बीत रही थी जब वो क्रॉस लगा के जा रहे थे। आज 5 दिन से हमारे घर में, हम लोग घर में नहीं जाते हैं, हम सभी बैठ के यहाँ बात करते हैं। यहाँ हमारा परिवार बन गया था पूरा। 40 साल से हमारे ससुर यहाँ रह रहे हैं, इतना टैक्स जमा हुआ आज तक सारा वापस करें थे। मुआवजे के साथ मेरी जमीन का पैसा, मेरे घर का पैसा, सब कुछ वापस करें। फिर वो घर लें चाहे ये शहर लें, हम लोग शहर भी छोड़ देंगे, बस जो हम लोगों का आज तक नुकसान हुआ है वो आपको लौटा दें। एक ही रात में घर से बेघर कर दें, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे बताइए? हम लोग कैसे गृहस्थी शुरू करेंगे? एकदम से छत से आसमान छीन लिया उन लोगों ने, लाल निशान लग गया। ये कहना चाहिए कि इतने दिन सरकार का, जब पहले तो कभी इन्होंने अवैध घोषित नहीं किया था, इससे पहले भी उन लोगों को देना चाहिए ना। अगर मेरे पापा लोग तो कह रहे 30-35 सालों से रह रहे हैं, तो तभी तो आज तक सरकार ने इनको अवैध घोषित नहीं किया, कोई नोटिस वगैरह नहीं। फिर आज की सरकार क्यों इनको अवैध घोषित कर रहे हैं? अगर जब यहाँ रजिस्ट्री हुई थी तभी रोक लगनी चाहिए कि इस पे मकान नहीं बना, अगर रजिस्ट्री नहीं करवा दी क्योंकि ये अवैध है। जहाँ रजिस्ट्रेशन होती है, जब वहाँ अवैध होती है तो आपको बता देना चाहिए। जब मैंने मकान हम लोग शुरू से बीजेपी को कभी उन्होंने ऐसा नहीं कुछ बताया था। बीजेपी को ये 35 सालों से सरकार बीजेपी बीजेपी चिल्ला रही थी, ये बीजेपी है, इसको बीजेपी कहेंगे? हम लोग का इतना लोन लेके घर बनवा, जो भी करके बनाया, हमारे माँ बाप ससुर से आदर किए हो, मगर ये कोई तरीका है घर से बेघर करने का? अधिकारी से बात करते हंसते हुए जाते हैं कि अरे कुछ नहीं, आपको तो फ्लैट मिल रहा। अरे उस फ्लैट में वो खुद अपनी फैमिली रखे रखेंगे, रह पाएंगे? हमारी चीजों का सवाल का जवाब दे। अगर ठीक है ये अवैध था, यहाँ पे हम लोग से हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं? बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स क्यों ले रहे हैं? हम लोग को रोड पे लाके रख दिया, बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? जब से हम लोग, कोई एक जगह बता दे कि हाँ आप लोग वहाँ जाके सेफ है, कोई एक जगह बता दे। बच्चे बस क्रॉस लगा, अभी तो लगा के गए हैं, कल नोटिस आ जाएगी, कहाँ जाएंगे? आप तो बुलडोजर बाबा हो, बुलडोजर चला रहे। ये बुलडोजर है। हम लोग सेफ महसूस करते हैं, औरतें सेफ है ये सरकार में, औरतें सेफ। कल रोड पे औरतें जाएंगी, उनके बच्चों के साथ क्या होता है कोई आगे बोलेगा? आके हम तो आग बंद करके भरोसा करते थे, ये भरोसा तोड़ा उन्होंने, अकबर नगर बर्बाद किया। उनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास पुख्ता सबूत है, हम रजिस्ट्री लेके आगे तक जाएंगे। ऐसे कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? इनके राज्य में लड़कियां आप ऐसे नहीं पता, हिंदुओं के ऊपर कहा उठा देंगे? पूछेंगे आपसे, यही पूछेंगे दुख
इससे बड़ा दुख आप खुद सोचिए, यहाँ पे खड़े होकर के आपने भी घर बनवाया होगा, अभी जो हम जा करके आपके घर को छीन लें, अभी आप पे क्या बीतेगी, आपको हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है।